अरे मोदी जी, नहाने वाला एक साबुन देना जरा, मुझे घर जाके नहाना है। आज 10 दिन हो गए नहाया नहीं हूँ, खेत पर काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिल रही है। राहुल, नहाने वाला साबुन तो है नहीं मेरे पास। तो मोदी जी चलो, नहाने वाला साबुन मैं केजरीवाल जी से ले लूंगा, कपड़े धोने वाला साबुन दे दो। अरे भाई, कपड़े धोने वाला साबुन भी नहीं है मेरी दुकान पे। अरे क्या बात है मोदी जी, पूरी की पूरी दुकान खाली करे पड़ी हो तो फिर तुम्हारी दुकान पे है क्या? ना नहाने वाला साबुन है, ना कपड़े धोने वाला साबुन है, और पूरी की पूरी दुकान तुम्हारी खाली दिख रही है। और ये अखिलेश और योगी जी तुम्हारी दुकान पे पूरा पूरा दिन कैसे बैठे रहते हैं ये बताओ। वो देखो, अखिलेश चारपाई पे लेटा हुआ है। अरे जब भी मैं तुम्हारी दुकान पे आता हूँ, ये हमेशा चारपाई पे लेटा हुआ मिलता है अखिलेश। अब मैं क्या बताऊँ राहुल तुम्हें अपनी दुकान का हाल। ये मेरी दुकान ऐसी थोड़ी ना खाली हुई है, ये योगी जी और अखिलेश पूरी की पूरी दुकान मेरी उधार खा गए, यहीं पे बैठे रहते हैं, उधार ले लेके चीजें खाते रहते हैं, खत्म हो गए सब कुछ, उधार चुका नहीं रहे, क्या बताऊं। अरे मोदी जी, इन दोनों पे कितना कितना उधार है तुम्हारा, और लेते क्यों नहीं? अरे योगी जी पे तो ज्यादा नहीं है, योगी जी पे तो मुश्किल से 1.5 लाख रुपया है। अरे 1.5 लाख रुपया क्या कह रहे हो, 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख रुपये को थोड़े से बता रहे हो? अरे 1.5 लाख रुपये को इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि अखिलेश के रुपए सुनोगे तो कानों पे हाथ रख लोगे। अखिलेश मुझसे 5 लाख रुपए की सौदा खा चुका है इस दुकान से, और जब भी मांगो ये कहता है कि फसल आएगी, फसल पे दे दूंगा। अरे मोदी जी, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, तुम्हारी चारपाई पे तो लेटे रहते हैं पूरा पूरा दिन, चारपाई तो तोड़ना है तुम्हारी। अरे ऐसा भी तो कोई साथ देने वाला हो तुम्हें जो पूरा दिन तुम्हारे साथ रहे। हम रहती है देखो, पूरा दिन चारपाई पे लेटे रहती। अरे मोदी जी, अगर बिस्किट का कोई पैकेट पड़ा हो दुकान में दे देना जरा, खाते में लिख लेना। अरे बिस्किट की बात करते हो अखिलेश, अभी मुझे इतनी तेज की भूख लगी थी, मैं सोच रहा था कुछ खाने को मिल जाए, इस पूरी दुकान में कोई चीज नहीं मिली। योगी जी तुम कैसे बैठे हो, कब चुकाओगे मेरे पैसा, मुझे साफ साफ बताओ। अरे मोदी जी, अभी अखिलेश ने कहा नहीं कि हम कहीं जा थोड़ी रहे, पूरा पूरा दिन तो तुम्हारी दुकान पे बैठे रहते हैं। अरे जब होगा पैसा दे देंगे तुम्हारा उधार, समझे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, हम हैं तो यहीं पे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सोनिया जी और राहुल, आज के जमाने में किसी के साथ भलाई करने का काम ही नहीं है, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ भलाई करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए थे? ममता दीदी, आप यहाँ पर बैठी हो, आप ही बताओ। सोनिया जी और राहुल पिछले साल होली पर मेरे घर आए थे, और मेरे घर आकर ये दोनों बोले कि कुछ पैसे की जरूरत है, त्योहार आने वाला है होली का, दे दो कुछ पैसे, फसल आएगी तुरंत चुका देंगे। अब ये बताओ, दोबारा होली का त्योहार आने वाला है, कम से कम 10 जोड़ी मेरी चप्पल घिस गई चक्कर लगाते लगाते इनके घर के। अरे एक तो मैं दूसरे गांव से इनके घर आता हूँ, ये पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। ममता दीदी, आप ही बताओ, ये बात सही है कि गलत है? अरे ये बात तो बिल्कुल गलत है, जब तुमने कहा था कि फसल पे पैसे दे देंगे तो क्यों नहीं दिए? एक तो मोदी जी ने तुम्हें पैसे उधार दे दिए और तुम दे क्यों नहीं रहे हो? राहुल तुम ही बताओ क्या बात है। सोनिया जी, वैसे मोदी जी कितने पैसे उधार लिए थे सोनिया जी ने और राहुल ने आपसे? अरे ममता दीदी, थोड़े बहुत पैसे होते मैं छोड़ देता, 55 रुपए उधार लिए थे इन्होंने मुझसे। अरे 55 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, छोटे मोटे पैसे होते 2-4 रुपए मैं छोड़ देता। अरे ममता दीदी, ये पैसे तो मैं कब के चुका देती, क्या बताऊं, फसल पैदा हुई नहीं, सूखे में पूरी की पूरी फसल बेकार हो गई, नहीं तो कब के चुका देती मैं। राहुल का भी काम चल नहीं रहा है, राहुल चुकाता क्यों नहीं पैसे, कोई काम उम करके मोदी जी के पैसे निकाल दे, इनका कर्जा मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे मम्मी जी, कपड़े की फैक्ट्री में काम लग गया है, काम मिल गया है मुझे, जल्द से जल्द पैसा चुका दूंगा मैं मोदी जी का। मोदी जी, अब आपको घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर आते हैं हम भी शर्मिंदा होते हैं, आप घर जाइए, अगले महीने मैं आपके बिना कहे पैसे दे आऊंगा आपके घर ही पर। कह देती हूँ राहुल भैया, कपड़े की फैक्ट्री में काम करो या कहीं पे भी काम करो, मोदी जी का पैसा जल्दी से जल्दी चुका दो। अरे एक तो बेचारों ने पैसा दिया, ऊपर से तुम चक्कर लगवा रहे हो उनके घर के। अरे प्रियंका बेटा, मैं भी बिल्कुल चक्कर नहीं लगाता घर के, क्या बताऊं, मेरी भी फसल पूरी की पूरी बाढ़ में बह गई, इसीलिए आना पड़ता है, पैसे की तरफ से थोड़ा हाथ तंग है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।